और राजनीति की खबरों की बात कर लेते हैं। चुनाव चल रहा है तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा दावा कर दिया। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन बड़ा बयान बंगाल की राजनीति पर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इंडिया अलायंस की बड़ी ताकत मुस्लिम वोट बैंक है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इंडिया अलायंस की इसी ताकत को उसकी बड़ी कमजोरी में बदल देना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, और ये मुद्दा है इंडिया अलायंस की सरकारों द्वारा मुसलमानों को ओबीसी कोटे में डालकर आरक्षण देना और पिछड़ी जातियों का हक छीन लेना। पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया, और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है, तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था, हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उदाहरण देते हुए दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का जिक्र किया। रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दी, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए, एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीज़ें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी एसटी ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को ओडिशा और बंगाल से रिकॉर्ड तोड़ सीटों की उम्मीद। बंगाल के चुनाव में टीएमसी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले असेंबली के चुनाव में हम 3 थे, 3 में से बंगाल की जनता ने हमें 80 पर पहुंचा दिया। हमें लोकसभा के अंदर भारी बहुमत पिछले चुनाव में मिला था। इस बार पूरे हिंदुस्तान में द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कोई होगा तो पश्चिम बंगाल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सफलता पश्चिम बंगाल में मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इस्तेमाल की गई भद्र भाषा भी एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा उनके विरोधी उन्हें 101 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था, गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था, और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। गालियां नहीं लेने से आगा की नहीं होता, आज आज भी याद रखना बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। प्रधानमंत्री मोदी का यह इंटरव्यू लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड का फाइनल प्लान, जिसमें सबसे बड़ा फोकस ओबीसी वोट बैंक, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति, ओडिशा और बंगाल पर है।